वेलकम फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण सेवा चैनल की तरफ से आप सभी दोस्तों को राधे राधे। और आज योगिनी एकादशी है, तो आप सभी दोस्तों को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए, आज मैं कथा करने जा रही हूँ योगिनी एकादशी की, तो वो आपको भी सुनाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, भगवान नारायण के लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का पूजन किया जाता है इस एकादशी पे। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से किसी के द्वारा दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। इस व्रत को करने वाला इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग में निवास करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसका क्या नाम है, कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राज श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। तीनों लोकों में यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका वर्णन मैं आपसे करने जा रहा हूँ। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसके यहाँ हेममाली नाम का एक सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षा अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेने गया, परंतु कामाशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास आकर कहा कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की यह बात सुनकर कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर ने क्रोध में आकर उससे कहने लगे कि हे पापी महानीच, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव का भी आदर नहीं किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ चलते चलते मार्कंडेय मुनि के आश्रम पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर हेमाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है, महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा के यहाँ नित्य प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प ना लेकर पहुँचने पर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा तथा दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय मुनि बोले कि तुमने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का
व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके व्रत से वह फिर से पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल योगिनी एकादशी माता की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोल कृष्णिया लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो योगिनी एकादशी की कथा मैंने कर ली है दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री राधे।